आप विधायक आतिशी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी के गुंडे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और डीजीपी ऑफिस में गुंडागर्दी करते हैं। अब बीजेपी का नाम भारतीय गुंडा पार्टी रख देना चाहिए। किसानों के खिलाफ अभद्र शब्द बोलने पर जब आप कार्यकर्ता भी सांसद रमेश बिधूड़ी के घर प्रदर्शन करने गए तो सांसद के बेटे और भतीजे ने मार पिटाई की। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी दिल्ली में एमसीडी में सरकार है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि इस पार्टी को अपना नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी की जगह अपना नाम बदल के कर देना चाहिए भारतीय गुंडा पार्टी। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी सामने आ रही है। हमने देखा कि किस तरह जब सीएम के घर के बाहर भाजपा के पार्षद बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, तो कहने को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, लेकिन सीएम के घर की प्रॉपर्टी को, सरकारी प्रॉपर्टी को, सीसीटीवी कैमरा को तोड़ा। ये रिकॉर्डेड है, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसी के दो दिन बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के घर पर, उनके परिवार पर हमले की कोशिश हुई। वही भाजपा के गुंडे पहले कहते हैं कि हम डिप्टी सीएम के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, और ये भाजपा के गुंडे जब डिप्टी सीएम के घर के बाहर पहुंच जाते हैं तो पुलिस के साथ ऐसी सांठगांठ है कि पुलिस बैरिकेड हटा देती है। पुलिस उन गुंडों के साथ डिप्टी सीएम के घर के दरवाजे तक जाती है, जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो पुलिस साइड होकर रास्ता।